एलपीजी और पीएनजी में क्या अंतर है। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलपीजी और पीएनजी में क्या अंतर होते हैं और इनका किस लिए उपयोग होता है और इनमें कौन कौन से गैस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश कर रहे थे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो जो एलपीजी गैस होता है इसे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसे सिलेंडर में भरकर घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि इससे खाना बनाने के लिए यानी कि चूल्हे जलाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो मुख्यतः नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस होते हैं। वहीं अगर बात करें पीएनजी की, पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नेचुरल गैस होते हैं जिसमें मुख्यतः मेथेन गैस होता है। और पीएनजी में क्या होता है कि पाइप के माध्यम से हर घर तक खाना बनाने के लिए जो है वो गैस पहुंचाया जाता है। यानी कि जो एलपीजी होता है इसमें गैस को सिलेंडर के माध्यम से स्टोर करके घरों तक पहुंचाया जाता है, जबकि पीएनजी में क्या होता है कि डायरेक्ट पाइप के माध्यम से हर घर तक इस गैस को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो जो एलपीजी होता है वो पहले से चला आ रहा सिस्टम है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलपीजी जो होता है वो महंगा होता है, क्योंकि इसमें कहीं पर गैस स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से सिलेंडर्स में भरे जाते हैं, फिर उसके माध्यम से घर तक पहुँचाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है। जबकि पीएनजी में क्या होता है कि जो शुरू में पाइप जो बिछाया जाता है उसी वक्त ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, उसके बाद फिर इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसको पाइप के माध्यम से हर घर तक पहुँचा दिया जाता है। इसलिए ये एलपीजी की अपेक्षा जो होता है वो सस्ता पड़ता है, और ये जो है वो नया यानी कि मॉडर्न नियम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है घरों तक खाना बनाने के लिए, गैस पहुंचाने के लिए। और अब हर जगह पर यह एलपीजी को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि अब एलपीजी को हटा करके हर जगह पर पीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ रहा है और इसमें ज़्यादा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम सीधी भाषा में समझें तो एलपीजी जो होता है वो पेट्रोलियम गैस होता है, जिसमें मुख्यतः नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस होते हैं, जबकि पीएनजी जो होता है वो नेचुरल गैस होता है जिसमें मुख्यतः मेथेन गैस होते हैं। और जो एलपीजी गैस होता है उसे स्टोर करके बहुत दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि जो पीएनजी गैस होता है इसे स्टोर करके बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। और एलपीजी जो होता है वो पीएनजी से महंगा होता है, क्योंकि इसमें ढुलाई का चार्ज और बाकी सभी चार्ज लगते हैं, जबकि पीएनजी जो होता है वो डायरेक्ट पाइप के माध्यम से घर तक पहुँच जाता है, इसलिए यह एलपीजी का अपेक्षा सस्ता होता है। तो इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज के बारे में अपने दोस्तों को ही बताएं, ताकि उन तक फिर से महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है एलपीजी और सीएनजी में क्या अंतर होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।